हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वीडियो से हमारा जो क्वेश्चन बैंक है बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ 2022 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी उसमें क्या लग जाए, चार चांद लग जाए और आप सभी लोगों को अच्छा से अच्छा परसेंट बन पाए। ये तो गारंटी है कि जो मेहनत करेगा उनका परसेंट बनेगा ही। ऐसा नहीं है कि हम रात भर सोए हैं, रात भर मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर गेम खेल रहे हैं, बोलोगे कि परसेंट आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा भाई। भले बुरा लगे लेकिन ये सत्य बात है। अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो ये तो फिक्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे हैं मेहनत करने वाले, सब लाइक ठोक दो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि सभी लोगों का जो सॉल्यूशन हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनका बेनिफिट सभी को मिल पाए। तो हम लोग अध्याय एक बहुपद से स्टार्ट करने वाला जा रहे हैं। इसमें देखो इकाई वार है, इस इकाई में टोटल 5 चैप्टर है, इसमें से आएगा 20 मार्क्स की आएगी, तो कहीं ना कहीं से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। तो चलो देखते हैं अध्याय एक में हमारा क्या आने वाला है, अति लघु उत्तरी प्रश्न 1 अंक के लिए, ठीक है। ये 1 अंक वाला प्रश्न है, यहाँ से समझना पड़ेगा कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें पूछा जाएगा। तो देखो इससे सही विकल्प आएगा ये पता चलता है, 2 तरीका सही विकल्प है, और एक तो देखो ये सत्य या असत्य से यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अगला जो क्वेश्चन है 5वां, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, शेषफल बहुपद की घात भाज एवं भाजक बहुपद होती, तो यहाँ पर देखो खाली स्थान दिया, मतलब 3 तरीका के क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। कौन कौन सा भाई, सही विकल्प, सत्य असत्य और खाली स्थान, तीनों जो है चैप्टर 1 से पूछे जा सकते हैं। तो देखो चलो हम लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, 2x की घात 2 - 7x - 9 की शून्यांकों का योगफल क्या होगा बोल रहे हैं। यहाँ पर योगफल दिया है, आपको गुणनखंड भी पूछा जा सकता है। तो योगफल की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है भाई, आप सबको पता है -b/a होता है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखवा जाएगा भाई, तो b कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, ये a होती है, ये वाली हमारी क्या होती है a, ये b, और ये क्या होती है c होती है। तो देखो a का वैल्यू जो है यहाँ पर -7 है हमारा, ठीक है। तो माइनस पहले से बी की जगह में हम लोग इस तरीके से -7 रखेंगे, और ए का मान देखो यहाँ पर कितना है भाई, सामने में 2 है तो उसको 2 रख लेना इस तरीके से आपको। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2, तो जहाँ पर भी 7/2 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट और करेक्ट आंसर। तो कौन हो जाएगा भाई, इसका बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। फिर यदि भाजक एक्स माइनस ए हो तब शेषफल आर इक्वल, देखो जब भाजक ये था एक्स माइनस ए था तब शेषफल कितना हो रहा था, एफ ऑफ ए हो रहा था, मतलब समझो ये कॉन्सेप्ट को, माइनस ए है इसलिए शेषफल एफ ऑफ ए आ रहा है। अब हमें कंडीशन क्या दिया, एक्स प्लस ए हो, अब देखो प्लस में है तब शेषफल क्या होगा बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है माइनस का प्लस हो रहा है, तो प्लस में यहां पर दिया तो किस में जाएगा, वो माइनस में जाएगा, तो ए हमारा करेक्ट है, इसके आंसर होगी। आ रही है आपको समझ, ठीक। फिर इसमें थर्ड देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला को आपको तो याद रखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, भाज्य बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आप लोग को याद रख लो क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होते हैं। अब देखो इसमें से थोड़ी सी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है कि किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भाजक, भागफल, शेषफल, थोड़ा सा चलो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि पता रहेगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो सेव रहेगा, ये तो आपको भी पता है ना। तो जैसे कि मान के चलो हम 2 से ऐसे भाग करते हैं 17 को, तो 2 8 होती है 16, तो इस तरीके से एक भाग, ये भाग है। अब इतने में हमें भाजक कौन है भाई, तो जो भाग करने वाला है तो ये वाला है भाई, बेचारा भाजक है जो भाग कर रहा है, जो भाग हो रहा है वो भाज्य कहलाएगा, मतलब जिसका भाग हो रहा है, तो बीच वाली जो नंबर है 17 क्या है, भाज्य है, और जो बाकी है वो शेषफल, ये तो आप सबको पता है, और ये जो है भागफल। कन्फ्यूजन किस में होता है, ये भाज्य और भाजक में होता है, ये तो आप लोग समझ जाना, ये सामने की जो नंबर होती है वो हमेशा जो भाग करने वाला होता है वही क्या कहलाती है, भाजक कहलाती है। तो इस तरीके से हुआ। फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 4वां क्या बोल रहा है, यह कथन सत्य है कि जब शेषफल शून्य हो, क्या बोल रहा है, अगर शेषफल शून्य हो तब जो भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है, बोल रहा है, तो हाँ भाई ये सत्य है, अगर हम लोग इस तरीके से आते 0 आती है तो वो क्या होती है, गुणनखंड होती है। फिर 5वां, शेषफल बहुपद की घात, जो शेषफल आती है, मान के चलो बहुपद में यहाँ पर कुछ भी शेषफल आती है, हम लोग भाग वाला देखेंगे तब आएगा जल्दी समझ,
तो उसके जो भाज्य एवं भाजक की बहुपद की घात सदैव, मतलब जो शेषफल की घात है भाज्य एवं भाजक की घात से हमेशा क्या होती है, कम होती है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर आप लोग कम लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपके उसमें प्रश्न बैंक में इंक्लूड किया गया, प्रश्न बैंक में लिया गया, तो सभी का आंसर हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं कंप्लीट इसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो पाए। तो चलो भाई देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा 2 नंबर वाला फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें से देख लो। इसमें से भी मुश्किल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन करना है, उतना ज्यादा नहीं कर रहा है, इसलिए बेफिक्र है और आराम से समझने का कोशिश करो, ठीक है। देखो काम सीख जाओगे ना तो आप लोग को ये नंबर भी बदल देंगे ना, बोर्ड तब भी आपसे बनेगा, ये तो आपको पता है ना, तो इसलिए काम सीखो आप लोग। इसमें क्या काम करना है, इसमें यदि भाजक दिया हुआ है, देखो भाजक हम ही दे चुके कि इतना है भाई आपके पास भाजक, भागफल इतना है बोल दिया और शेषफल भी बता दिया हमको कहाँ कहाँ की, एक रफ वर्क देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये यहाँ जो होती है वो भाजक, ये बीच वाली क्या कहलाती है भाज्य, और ये होती है भागफल, ठीक है, और नीचे जो भी बाकी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं, ये आपको पता है, ठीक, इतना तो आपको पता है, बेसिक है। अब हमें देखो यहाँ पर क्या क्या दे चुका है, भाजक दे चुका है, भागफल भी दे दिया भाई, चलो ये भी पता है आपको, और हमें क्या बता दिया, शेषफल भी बता दिया है, इसको भी बता दिया, और पूछ रहा है बीच वाले को, तो निकालेंगे कैसे। मान के चलो हम लोग इसको 2 और 17 वाला जो एग्जाम्पल देखे थे, 2, 8, 16 इस तरीके से किए थे एक बाकी था। अब मुझे मान के चलो ये नहीं पता होता कि बीच में कितनी नंबर है, यहाँ की नंबर ये 17 को मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ये दिया ये 3 और बीच का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दूंगा, तो 8 × 2 = 16 जितना आया उसमें नीचे जो बाकी उसको जोड़ दूंगा, है ना, तो 16 और 1 = 17 था भाई करके मुझे पता चल गया। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर यूज करना है, क्लियर है। चलो देखो इसमें लेकिन थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा दिया है क्या 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 दिया उसको लिख लो भाई, भाजक बराबर 3x^2 − 2x + 2 इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपका भागफल दिया तो भागफल को लिख लो, भागफल x + 1, और शेषफल दिया तो शेषफल को भी लिख लो, इतना तो आपको करना ही है चाहे आगे आपसे बने या ना बने, ठीक है। और हमें निकालना क्या है भाज्य, तो यहां तक बिल्कुल आपको करना है, मतलब करना है, ठीक है, ठीक यहां तक आया। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, हम जानते हैं सूत्र भाई, हम जानते हैं क्या जानते हैं, जो भाज्य का सूत्र होता है क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणित शेष, यहां पर क्या होती है भाजक गुणित भागफल और प्लस में क्या करना पड़ता है, मैं जो भी बाकी रहता है शेषफल उसको प्लस करना होता है, इस तरीके से ये हुआ। वैल्यू रखते चलो, भाजक कितना है आपके पास, भाजक है ये 3x^2 − 2x + 2 इतना है, उसको लिख लिया। भागफल कितना है x + 1, तो x + 1 इसको भी लिख लिए, प्लस है तो प्लस, और शेषफल कितना है भाई, शेषफल 3 है तो उसको भी लिख लिए। आया यहां तक आप लोग को। अब देखो इसके बाद आपको करना क्या है, काम सीखो आप लोग, पूरे जो ब्रेकेट है जब भी गुणा करना हो तो पूरे ब्रेकेट का इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ, मतलब पूरे का तीनों के साथ करना। देखो इस तरीके से 3x^2 के साथ पूरे ब्रेकेट का करो, x + 1 को लिख दिया, सिमिलरली अब −2x के साथ पूरे ब्रेकेट को लिख दो, x + 1 लिख लिया मैं, फिर +2 के साथ फिर से वही लिख दो x + 1, और फिर देखो ये +3 है तो +3 इस तरीके से आपको लिख लेना है। आया यहां तक। उसके बाद देखो इसका अंदर गुणा करो, 3x^2 का x के साथ गुणा करेंगे तो 3x^3 होगी, फिर प्लस 3x^2 का x के साथ गुणा करना है तो 3x^2 ही होगा, वो माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह बदलेगा, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना। 2x का x के साथ गुणा करेंगे तो 2x^2 माइनस हो जाएगा, ये देखो मैं बोला हूँ ना उस चीज को याद रखो, बाहर में माइनस मतलब अंदर का चिन्ह चेंज होगा, अगर माइनस रहता तो प्लस कर देते, अभी प्लस थे इसलिए क्या किए माइनस, तो 2x का 1 के साथ गुणा होगा तो 2 1 = 2 और x है तो x, प्लस है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस गुणा बस करना पड़ेगा, 2 का x के साथ गुणा होगा तो 2x + 2 1 = 2 और +3 है तो +3। अब क्या करना है भाई, जो जुड़ता है उसको जोड़ दो, घटता है उसको घटा दो, तो उसके लिए भी रूल क्या है, सेम चिन्ह रहेगा तब जुड़ेगा, नोट कर लो, सेम चीज रहेगा तब जुड़ेगा, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तब आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, और अलग अलग चीन हुआ मान के चलो एक माइनस और एक प्लस और एक माइनस इस तरीके से, तब आपको क्या करना रहता है, घटाना रहता है, ये तो ठीक है भाई, बता दिए आप, सेम चीज रहेगा तो जोड़ना है, अलग अलग चीज रहेगा तो घटाना है, और किसको जोड़ना है किसको घटाना है वो देखो,
सजाती वाला, मतलब सजाती वाले से उनको मतलब रहेगा, बाकी किसी से उसको कोई लेना देना नहीं। सजाती कैसा, या कहां पर रखें, यहां पर। चलो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, सबको आप लोग नोट करते रखिए। अगर एक्स एक्स वाले तो उसको एक्स से ही लेना देना है, वो एक्स के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। अगर एक्स की घात दो है तो एक्स की घात दो के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। अगर एक्स की घात तीन है तो एक्स की घात तीन के साथ ही या तो जुड़ेगा या वो घटेगा। कब जुड़ना है कब घटना है वो आपको पता है भाई, कॉन्सेप्ट ठीक है। अगर कोई नंबर है तो नंबर के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, मतलब बिना एक्स वाला कुछ किसी के साथ भी जुड़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो घात तीन वाला तो वो अकेला है तो वो कुछ नहीं रहेगा, वो चुपचाप रहेगा अपने जगह में, वो अकेले रहता है, वो कभी भी पंगा नहीं लेते हैं, तो वो भी नहीं लेगा, चुपचाप हो गया। अब देखो एक्स की घात दो, एक्स की घात दो यहाँ पर है दोनों, इसके सामने प्लस और इसके सामने क्या है माइनस, अलग अलग चिन्ह तो घटा देंगे। तो देखो एक्स की घात दो यहाँ पर तीन बार है, यहाँ पर दो बार, तो तीन बार में दो बार घटेगा तो यहाँ पर बाकी रहेगा एक्स की घात दो। आया समझ में, घात को नहीं घटाना है आपको, घात घटा देते बहुत बच्चे, मैंने ध्यान दिया इस चीज पर, ठीक है। घात को घटा देते, आपको घात नहीं घटाना है, सामने के नंबर्स को घटा रहा है, क्योंकि हम लोग उसके ग्रुप के नाम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स की घात घात दो यहाँ पर तीन बार था, घात दो यहाँ पर दो बार था, तो तीन बार में दो बार घटा तो एक बार बाकी रहेगा। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने प्लस है, ठीक है। अब इनको देखो, ये वाले अलग अलग चिन्ह है तो दो एक्स में दो एक्स घटेगा तो ये पूरी तरीके से ये तो कट जाएगा, और ये दोनों के सामने समान चिन्ह, इसके सामने भी प्लस इसके सामने भी प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा तो तीन और दो पांच हो जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर, आपको लिखना पड़ेगा अतः भाज्य तीन एक्स की घात तीन प्लस एक्स की घात दो प्लस पांच होगा करके, क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू को। तो भाई अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देख सकते हैं, जैसे कि क्या बोल रहे, बहुपद चार एक्स की घात चार प्लस बारह एक्स की घात तीन प्लस आठ एक्स की घात दो का गुणन खंडन करके चार एक्स की घात दो से भाग देना। अब भाई इसमें बोल दे स्पष्ट रूप से आपको गुणन खंडन करना है, उसके बाद डायरेक्ट भाग करने बोलते तो आप डायरेक्ट भाग करना होता है, बट इसमें कंडीशन दे दिया है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, गुणन खंडन करना पड़ेगा। तो देखो कैसा होगा, सबसे पहले तो दिया है करके इस बहुपद को लिख लेना, फिर ठीक है हल क्या दिया है हमें भाई, दिया है बहुपद क्या दिया, चार एक्स की घात दो प्लस बारह एक्स की घात तीन प्लस आठ एक्स की घात दो, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये तो भाज्य है भाई, भाज्य है ना, अब इसको भाग किससे करना है उसको भी लिख लेता हूं मैं। भाजक क्या दिया हुआ है, चार एक्स की घात दो, तो यहां पर भाज्य आप लोग लिख लेना। अब देखो इसमें आगे हम लोग इस तरीका से करेंगे, चार एक्स की घात दो प्लस बारह एक्स की घात तीन प्लस आठ एक्स की घात दो लिखेंगे, पूरे की बटा में भाग किससे करना है, चार एक्स की घात दो से, इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन इसमें गुणन खंडन करने बोला गया, इसलिए इसमें से गुणन खंडन करना पड़ेगा, इन पूरे बहुपद को क्या करना पड़ेगा, दो भाग में उसको तोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। तो देखो हम, मैं क्या कर सकता हूँ, सब में से चार कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि चार के पाड़ा में चार भी आता है, बारह भी आता है, आठ भी आता है। अब देखो यहाँ पर घात कितना है, चार, ठीक है। अब सब में से एक की घात दो भी बाहर निकाल सकता हूँ तो उसको भी निकाल दो, इस तरीके से चार एक्स की घात दो बाहर निकाल दिया। तो देखो यहाँ पर बाकी क्या रहेगा, चार तो चलो बाहर निकाल दिया हूँ तो एक्स की घात चार बार है टोटल, तो दो बार बाहर निकाल दिया हूँ तो मेरा कितना बाकी रहेगा, एक्स की घात दो बाकी रहेगा यहाँ पर। प्लस अब देखो चार के पाड़ा में बारह कितने बार में आता है, चार एक कम चार, चार दुनिया चार तीन बारह, इसलिए यहाँ पर तीन बाकी रहेगा और एक्स की घात तीन है ना, तो उसमें से दो बार निकलेगा तो कितना एक्स बाकी रहेगा, एक एक्स बाकी रहेगा। प्लस आठ कितने बार में आता है, दो बार में, इसलिए दो बाकी रहेगा और एक्स की घात दो तो बाहर है भाई, उसको नहीं लिखेंगे। इस तरीके से करना, फिर बटा में देखो चार एक्स की घात दो है तो चार एक्स की घात दो, तो यहाँ से ऊपर नीचे चार एक्स की घात दो, चार एक्स की घात दो कट जाएगा तो फिर बाकी क्या रहेगा, एक्स की घात दो प्लस तीन एक्स प्लस दो, और यही आपका और हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आपको इसको करना होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो दो क्वेश्चन है फाइनली, क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर दो नंबर के लिए। देखो इसमें क्या बोला गया है कि बहुपद 18x की घात 2 प्लस 9x का जो गुणन खंडन करना है उसके बाद उसको 3x से, तो पिछला क्वेश्चन नंबर टू के जैसे सिमिलरली ये सेम टू सेम आपसे बन जाएगा। तो इसको पहले तो आप लोग बना के देख लो, फिर मैं जब आपको बताऊंगा तो आप लोग मैच करके देख लेना, ठीक है। अगर रियल में पढ़ने वाले तो वीडियो को यही थोड़ा देर के लिए रोको, फिर बना के देखो, कॉपी में बना के रखो, फिर मैं इसके आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 2x की घात 3 माइनस 5x प्लस 4 हो तब इसमें p ऑफ 2 तथा p ऑफ 0 का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इसको आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है।
ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे तब आप लोग वीडियो स्टार्ट किए हो, है ना। तो इसमें से आपको कैसे करना पड़ेगा, दिया है करके लिखना पड़ेगा हल, ठीक है। क्या दिया है भाई इसमें, दिया है भाज्य क्या है इस बार 18x2 + 9x, इतना है। और भाजक कितना है, हमें किससे भाग करना है, भाजक जो है 3x है, हमें इसको भाग करना है, गुणन खंडन करके भाग करना है। तब हम लोग इसमें अब ऐसा करेंगे इस तरीके से, देखो 18x2 + 9x इसको भाग किससे करना है, 3x से, तो इस तरीके से लिख लेंगे। फिर अगला देखो, इन दोनों नंबर्स में से देखो क्या बाहर निकाल सकते हैं, नीचे में 3 है तो हम लोग 3 निकाल देते हैं ताकि पूरी तरीके से कट जाए पिछले क्वेश्चन जैसे, और वैसे भी 3 के पारे में 18 भी आता है और 9 भी आता है, इसलिए यहाँ पर 3। और दोनों में से देखो कि एक एक्स बाहर निकलेगा, दो एक्स नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें तो एक ही 2x है ना 9 वाले में, ठीक है, इसलिए एक एक्स बाहर निकल दे तो अंदर में देखो बाकी क्या इतना रहेगा। अब देखो 3 निकाले तो 3 के पारे में 18 कितने बार में आता है, 3 × 6 = 18, तो यहाँ पर 6 बाकी रहेगा और यहाँ पर एक एक्स प्लस 9x में से देखो x तो बाहर है लेकिन 3 के पारा में कितने बार में आते हैं 3, इसलिए 3 लिखेंगे अंदर में, और नीचे में क्या रहेगा 3x। तो यहाँ से 3x से ये 3x कट जाएगा हमारा और आपका आंसर होगा 6x + 3, ये हो जाएगा इसके आंसर। तो आप लोग भी आई होप इतना ही ऐसे ही बनाए होंगे उसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आया कि नहीं ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर अगला देखो, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर इतना है तब इसमें है पी ऑफ 2 का मान ज्ञात करना और पी ऑफ 0 निकालना है। तो इस तरीके से करेंगे, इसमें सबसे पहले दिया है करके लिख लो, दिया है ना, दिया लिखना बहुत जरूरी। क्या दिया है भाई, पी ऑफ एक्स बराबर मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दिया, 2x³ - 5x + 4, इतना हमें दिया हुआ। इसको मैं एक समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ क्योंकि इससे हल करने में कहीं ना कहीं समय आसानी होगा। अब देखो पी ऑफ 2 निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखना आप लोग समीकरण 1 में पी एक्स इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है। देखो जब एक जहां जहां एक से वहां पर अब क्या रखना है, आपको 2 रखना है, इस तरीके से हो जाएगा p, देखो यहां पर भी x है तो p ऑफ 2 बन जाएगा वो, क्लियर। इक्वल टू यहां पर देखो 2, अब x है तो x की जगह पे तो 2 रखना है, घात 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस 5 है तो 5 और x की जगह फिर से 2 रखना है आपको, प्लस 4, इस तरीके से 2 रखना है बोले, इसलिए जहां जहां x है वहां पर 2 रख लिए, आपको किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये p ऑफ 2 का तो p ऑफ 2 ही रहेगा बराबर देखो 2 का 2, अब 2 का 3 बार यहां पर गुणा कर देना, क्यों, क्योंकि 2 की घात 3 है ना भाई, तो 2 का 3 बार गुणा करो इस तरीके से, 2 × 2 × 2, 2 × 3 = 6 नहीं लिख देना, ध्यान रखना बहुत लोग ऐसा करते 2 × 3 = 6 लिखते हैं वहां पर, बट वैसा नहीं करना है आपको, सावधान हो जाओ, सतर्क रहो। 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 होगा भैया यहां पर, ठीक है। माइनस अब वहां पर 5, तो 5 × 5 2 का 2 + 4, इस तरीके से रहने दो, ठीक है। अब देखो पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 × 8 = 16 - 5 × 10 + 4, अब जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, जैसे कि आपको पता है पहले से समान चिन्ह जुड़ेगा, मतलब 16 और 4 जुड़ेगा तो 16 और 4 = 20, रीड 10, मतलब P ऑफ 2 बराबर कितना हो रही है, 10 हो रही है, ये एक आंसर है। अब आपको क्या करना है, पुनः, ठीक है, मैं यहां पर उसको बना देता हूं क्योंकि यहां पर स्पेस है। क्या लिखेंगे नीचे में, बना सकते हो आप लोग समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर इस बार क्या रखना है, 0 रखने पर, देखो x बराबर 0 रख दो तो क्या होगा, P ऑफ 0 हो जाएगा, इसी में रख रहे हैं ये, पहले 2 रखे तब क्या रख रहे हैं 0, तो इस तरीके से होगा 2 × 3 - 5 + 4, इस तरीके से। तो P ऑफ 0 इक्वल टू देखो 2, अब 0 का 3 बार गुणा करेंगे ऐसे 0 × 0 × 0, मतलब 0 0 0 ही होगा वो, तो इस तरीके से लिखेंगे -0 + 4। तो P ऑफ 0 इक्वल टू आप लोग लिखेंगे 2 × 0 = -5 × 0 + 4, तो P ऑफ जो 0 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपकी सेकेंड आंसर दो तरीके से, ठीक है। अतः P ऑफ 2 का मान 10 और P ऑफ 0 का मान 4 होगा, इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो है, स्टार्टिंग में मैं आपको एकदम से ओवरडोज दे दूंगा ना, आप लोग डर जाओगे भाई, बात सही है ना, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा हम लोग छोटा देख लिए। बाकी जो चैप्टर आएगा उसमें वन शॉट आएगी, मतलब पूरे चैप्टर के लिए सिर्फ आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँ कि वन शॉट में हो जाए, और वन शॉट में नहीं होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो दो पार्ट में जो जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आप
आपको यूजफुल लगा होगा तो आपको अब बस क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है भाई। क्योंकि आप लोग जितनी शेयर्स करोगे, कम से कम मुझे देखने लायक 500, 600, 1000 जो व्यू आएगा तो उसको मुझे तो लगेगा हाँ भाई छत्तीसगढ़ के 500 बच्चे तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनका तो अच्छा परसेंट बनने वाला है, इस बात की मुझे खुशी होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।